क्वेश्चन नंबर 2 का देखो, हमें बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक दे रखा है बैलेंस शीट और ये दे रखा है आपके एडजस्टमेंट। नंबर 1 देखो, आप बनाने के सबसे पहले आप अकाउंट बनाना है सर, और पहला पॉइंट क्या हो जाएगा आपके कैश फ्लो फ्रॉम, कौन सी एक्टिविटी जाएगी आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसको देखो सबसे पहले क्या आएगा आपके, नंबर 1 आ जाएगा आपके P&L। पेडल कितना दे रखा है आपके, ये रहा पेडल, मैंने बताया पेडल के लिए क्या करते हैं, ये वाले पक्ष के लिए क्या करते हैं, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, 2010 का मूल्य माइनस 2009 का मूल्य, 136 माइनस 112 कितना जाएगा 24,000। तो ये यहाँ लेंगे हम 24,000। अब यहाँ क्या आएगा अगला पॉइंट आपके, एडजस्टमेंट फॉर करंट एसेट, क्या नाम है, नॉन केस आइटम लिखना है। इसके लिए क्या बनाएंगे, हम अकाउंट बनाएंगे, जो देने का सबका अकाउंट बनाएंगे। नंबर 1 आपके देने का इन्वेस्टमेंट, तो हम बनाएंगे इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले क्या आएगा आपके, टू बैलेंस बीडी, बताओ इन्वेस्टमेंट का बैलेंस कितना दे रखा है, 1,00,000 रुपए, और यह आ जाएगा आपके बाई बैलेंस सीडी, ये आ जाएगा आप कितना, 1,20,000। अब अगला पॉइंट है आपके, इसमें क्या बेचा क्या खरीदा, देखो 16,000 की चीज को इसने कितने में बेच दिया है, 17,000 में, तो यहाँ क्या आएगा आपके बाई कैश, और क्वेश्चन में क्या लिखेंगे हम, सेल, कितने बेचा बताओ, हमने बेचा 17,000 में, 16,000 की चीज 17 बेचने पर क्या होता है, प्रॉफिट के लॉस, प्रॉफिट हुआ कितना हुआ, 1,000 प्रॉफिट इधर आएगा, मैंने बताया था दोनों की जो एड्रेस है वो पोस्ट के बराबर होती है, 17,000 का एक इधर दो हो जाएगा 16,000 पोस्ट आपके, ये आ जाएगा क्या आ जाएगा यहाँ पर आपके, ये आ जाएगा क्या नाम है, पीएनएल, और यहाँ क्या लिखेंगे हम, प्रॉफिट ऑन सेल, जोड़ मिला हुआ ये होता है आपके 1,37,000, यहाँ भी क्या करते हैं हम 1,37,000, और यह आ जाएगा आपके टू कैश, और ये आ जाएगा आपके परचेज, 1,37,000 माइनस 1,01,000 ये आ जाएगा कितना, 36,000। अब अगला अकाउंट बनाएंगे कौन सा, प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए बनाएंगे, तो बनाओ यहाँ बनाएंगे हम प्रोविजन फॉर टैक्सेस या टैक्सेशन या टैक्स बनाओ, ये आपकी लाइब्रेरी है, तो इधर आएगा बैलेंस बीडी, यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, लास्ट का बैलेंस कितना है आपके, 1,50,000, और करंट ईयर का बैलेंस कितना है आपके, बैलेंस सीडी कितना देर का है आपके, 20,000। किसने कहा है आपको आयोजन करना है टैक्स में, आयोजन कितना करना है आपको, 18,000 का आयोजन करना है, जब आयोजन करने का कहा जाए तो इधर आएगा, अगर यहाँ लिखा हुआ है टैक्स हमने इतना पेड किया तो यहाँ आएगा, इसने कहा आयोजन करना है तो आपके यहाँ आ जाएगा बाई पीएनएल, कितना आयोजन करना है आपको, 18,000 का, यहाँ अगर लेकर लिखा हुआ आता है कि हमने टैक्स पेड किया तो ये 18,000 आपके यहाँ आ जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ कर ऐड करें कितना हो जाएगा आपके, 1,68,000, तो ये भी कर लेंगे 1,68,000, 68 में से 20 गए पीछे बच जाएंगे आपके 1,48,000, और ये आएंगे आपके टू कैश, और ये आ जाएगा पेड, हमने जो पेड किया है। तीसरा अकाउंट बनाएंगे डिविडेंड का, डिविडेंड का है आप चाहो तो ये सीधे अकाउंट नहीं बनाओ तो चलेगा, और अकाउंट बना भी लो तो ये हो जाएगा प्रपोज डिविडेंड, सेम यही अकाउंट है जो आपके फॉर्म टैक्स का है, बैलेंस शीट भी लिख सकते हो लेकिन जीरो बैलेंस, कोई बैलेंस नहीं है, तो यहाँ से आएगा आपके पेड, यहाँ आएगा कैश, हमने पेड कितना पेड किया बताओ, हमने पेड किया 18,000 का, और यहाँ क्या आ जाएगा आपके पीएनएल, कितना आ जाएगा आपके 18,000, वही सेम, एक बार ऐड करेंगे एक बार लेस कर लेंगे। अब अगला अकाउंट बनाएंगे हम कौन सा है, पोस्ट ऑफिस एसेट्स है, तो यह आ जाएगा आपके फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट बना लेंगे, एसेट्स है तो यहाँ क्या आएगा आपके टू बैलेंस बीडी, ऐसे क्या कितना देगा बैलेंस आपके, ये देगा 8,00,000 और 6,40,000,
8 लाख तो क्या आ गया आपके ओपनिंग बैलेंस, और बाई क्या आ जाएगा आपके बैलेंस शीट में, कितना बताओ? 6,40,000 ये हो जाएगा आपके 6,40,000। अब इसके बाद क्या जाएगा कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट, 20,000 की संपत्ति को हमने 24 में बेच दिया तो हमें फायदा नुकसान हुआ? फायदा हुआ। पहले तो हम यहाँ लिखेंगे उस चीज को हमने कितने में सेल किया है, वो पहले लिखेंगे सेल, कितने में सेल किया बताओ? 24,000 में सेल किया तो हमें क्या हुआ है? लाभ हुआ है 4,000 का। यहाँ लिखेंगे हमने 4,000 का लाभ, और यहाँ क्या आ जाएगा आपके पीएनएल, और क्या आ जाएगा आपके प्रॉफिट ऑन सेल। वो ज्यादा किधर हो रही है आपके? इधर ज्यादा हो रही है। यहाँ क्या आ जाएगा आपके 8,04,000, यहाँ पे लिखेंगे हम 8,04,000। तो देखो 8,04,000 में से घटाएंगे कितना, 6,40,000 भी घटाएंगे और 24,000 भी घटाएंगे, ये आ गया आपके 1,40,000 बचा। 1,40 क्या लिखे? सेल भी मान सकते हो लेकिन सेल तो आ गया ऑलरेडी आ गया, तो अब हम क्या मानेंगे बताओ? 1,40,000 क्या आ जाएगा? डेप्रिसिएशन। ये आ जाएगा बाई पी एंड एल, ये हो जाएगा आपके डेप्रिसिएशन। सेल लिखा हुआ है, सेल दिया हुआ नहीं होता तो हमें सेल देते, उत्तर को फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ये भी जोड़ना ये भी जोड़ना, मैंने बताया इधर वाली सारी चीजें क्या होगी आपके एड हो गए, ऊपर से कहीं ऐड कर लो, लास्ट में जाके जोड़ करेंगे तीनों के एक साथ, तो आपके वो सीए के केस का अंदर ही आएगा, ये कंप्लीट हो गया अकाउंट। अब आपको यहाँ से पहले इसके अंदर दी गई सारी चीज लिखनी है आपको। नंबर वन फील्ड का आ रहा है ये रहा प्रॉफिट ऑन सेल इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ लिखेंगे हम प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैंने बताया हुआ है अकाउंट बनाते हैं तो इधर वाली सारी चीजें माइनस, इधर वाली सारी चीजें प्लस, तो ये आपके कितना है 1,000 का, तो यहाँ लिखेंगे हम 1,000 और क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। और का प्रॉफिट ईयर ऑफ एंड टैक्स ईयर का है, यहाँ लिखेंगे हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन या टैक्स, कितना देर का है ये देर का है 18,000 रुपए का। और पेंडल ईयर ऑफ प्रपोज डिविडेंड का, तो यह आ जाएगा आपके प्रपोज डिविडेंड, आपको नहीं आ रहा पूरा नाम तो केवल डिविडेंड लिख दो, कितना देर का है आपके ये हो जाएगा आपके 18,000 है। यही बैठा रहे, बैठा रहे सेम है क्या, यहाँ 80,000 है दोनों सेम है, ये भी 80 और ये भी क्या है आपके 80,000, ये हो जाएगा आपके 80,000। अब है आपके अगला खाता क्या है आपके फिक्स्ड एसेट्स के बारे में, और भी है फिक्स्ड एसेट्स, देखो यहाँ क्या है आपके ये भी है और यहाँ दोनों तरफ है, इधर वाला ऐड इधर वाला लेस, ये हो जाएगा आपके क्या नाम है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, ये दे रखा है आपके 1,40,000। अगला पॉइंट इधर दे रखा है आपके फिक्स्ड एसेट्स पर लॉस हुआ है, तो यानी यहाँ लिखेंगे वहां प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स कितना लॉस हुआ है हमें, तो फायदा कितना हुआ है 4,000 का, ये क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे, इधर लिखी सारी चीजें माइनस कर प्लस। अब यहाँ देखो और कोई पॉइंट बातचीत नहीं रह गया, डिविडेंड लिख दिया, प्रोविजन लिख दिया, ये भी लिख दिया, ये भी आ गया। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले नंबर वन फाइनेंशियल एक्टिविटी, देखो लिखना आता है नहीं लिखना, बार बार बोलोगे तो भी आपको याद हो जाएंगे कि ये कौन सी आ रही है, कहाँ आती है, ये कहाँ आएगी फाइनेंशियल एक्टिविटी, जनरल आएगा वो भी अंतर हुआ तो है अंतर 20 का अंतर, यहाँ क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, अगर ट्रांसफर लिखना नहीं आ रहा तो सीधा क्या लिखेंगे हम जनरल रिजर्व, कितना देर का है आपको मैंने बताया था लाइब्रेरी नेम कौन सा है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, मतलब 6,20,000 से घटाएंगे 6,00,000 तो 20,000 आएंगे, वो भी किसका आएंगे प्लस के आएंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस में कितना लिख देंगे हम यहाँ पर 20,000। वैसे भी देखो रिजर्व बढ़ रहा है मतलब आपके पेंट का अकाउंट बढ़ गया। अब देखो पी एंड एल ये हमने लिख दिया, क्रेडिटर क्या है करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी में आएगा ये भी करंट, ये तो आगे अकाउंट तो करंट लायबिलिटी में आएगा, आगे से खाता नहीं बनाते तो करंट लायबिलिटी में आ सकता है, लेकिन यहाँ नीचे पॉइंट दे रखे तो आप करंट लायबिलिटी मानना ही नहीं, इसको लोन फाइनेंशियल एक्टिविटी फिर इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग ये करंट लायबिलिटी, ये सबसे लास्ट में आता है, तो सब हो गया कंप्लीट, इन सबको ऐड कर लेंगे, माइनस का 1,000 प्लस का 18,000 प्लस का 80,000 प्लस का 1,40,000 माइनस का 4,000 प्लस का 20,000, ये होता है आपके 2,53,000।
प्लस 24,000, ये आ जाएगा आपके 2,77,000। अब इसमें क्या करेंगे, हम एडजस्टमेंट करेंगे फॉर किसके लिए, सीए एंड सीएल, इसमें केवल कैश बैंक और कैश संबंधी कोई चीज नहीं आएगी, आपकी मार्केट सिक्योरिटी अगर है शॉर्ट टर्म वो भी नहीं आएगी। अब देखो यहां से आपकी केवल एक ही पॉइंट है क्रेडिटर का, तो यहां लिखेंगे क्रेडिटर, इधर आपको दो दो पॉइंट है, स्टॉक भी है और साथ में डेटर भी है। अब इनके आगे लिखेंगे डिक्रीज इंक्रीज, ऐसे लिखना है आपको फॉर्मेलिटी के लिए। तो देखो क्रेडिटर आपके घट रहे हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके डिक्रीज इन, और ये आपके देखो ये घट रहा है ये बढ़ रहा है, तो घट रहा है कौन स्टॉक, तो घट रहा है कम हो रहा है, तो क्या आ जाएगा डिक्रीज इन स्टॉक, और डेटर आपके बढ़ रहे हैं तो क्या आ जाएगा आपके इंक्रीज इन डेटर। अब ये याद रखना है कि कौन सा डिक्रीज होने पर कौन सा इंक्रीज होने पर कंफ्यूज हो गए। सबसे पहले सबसे अच्छा यह है आपके 2010 का मूल्य माइनस 2009 का मूल्य, ये लायबिलिटी के लिए, तो क्या हो जाएगा आपके 2,68,000 में से घटाएंगे 3,36,000, तो ये होता है 68,000, किसमें आ जाएगा आपके माइनस का आ जाएगा 68,000। अब है आपके डिक्रीज इन स्टॉक, अब देखो क्या नाम ये 2,68,000 हो गया आपके, अब आपके डिक्रीज इन स्टॉक ये रहा, मैंने बताया था एस एन के लिए क्या आएगा सन 2009 माइनस सन 2010, सीधा बाकी करेंगे यहाँ आएगा 60,000, कितना आएगा प्लस का आएगा माइनस का आएगा प्लस का आएगा 60,000, ये लिखेंगे 60,000 प्लस का। फिर देखेंगे डेटर्स के बारे में, डेटर्स देखो अगर ऐसे ही बाकी करेंगे तो आप उधर किस में आ जाएंगे माइनस में आ जाएंगे, नौ कितना लिखेंगे 4,20,000 में से माइनस करेंगे, कैसे घटाएंगे इधर 2009 का मूल्य माइनस 2010 का मूल्य, माइनस कर देंगे 9,10,000, ये हो जाएगा आपके 4,90,000 कितना हो जाएगा आपके माइनस। ऐसे इसका नियम है करंट ईयर माइनस प्रीवियस, क्या नाम प्रीवियस ईयर माइनस करंट ईयर, ऐसा हो जाएगा प्रीवियस ईयर माइनस करंट ईयर, अगर सर अगर आगे पीछे हो तो सही करना है आपको, कुल मिला के ये 2009 अगर याद 2009 हो तो भी आपको चेंज करके आपको अपने हिसाब से सेट करना है 2009 में से 2010 का मूल्य घटाना। अब देखो माइनस कर देंगे 68,000, प्लस कर देंगे 60,000 और माइनस कर देंगे 4,90,000, ये आ जाएगा 4,58,000, वो भी किसमें आपके माइनस में, और प्लस का हो गया 2,77,000, ये हो जाएगा आपके 2,21,000 किसमें आ जाएगा आपके माइनस में। उसमें हम लेस क्या करेंगे, सबसे लास्ट पॉइंट है टैक्स लेस करेंगे, टैक्स कितना दे रखा है 1,48,000 टैक्स दे रखा है, तो ये माइनस कर देंगे 1,48,000, और टैक्स के बारे में बताया हुआ इधर वाली चीज प्लस होती है, इधर वाली जो कैश बैंक वो क्या होगी आपकी माइनस होगी, डिविडेंड में ये है यहाँ प्लस होता है लेकिन फाइनेंशियल में लेस होता था, तो ये हो जाएगा 1,48,000, तो ये हो जाएगा आपके 3,69,000, ये आ जाएगी आपके कौन सी एक्टिविटी नंबर ए, क्या नाम है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नंबर बी कैश फ्लो फ्रॉम, ये आ जाएगी आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, केवल स्थायी संपत्तियों का क्रय और विक्रय परचेज एंड सेल्स, केवल फिक्स एसेट्स का, फिक्स एसेट खाता कौन सा है इन्वेस्टमेंट है और फिक्स एसेट ये दे रखे हैं, सबसे पहले ये लिखेंगे सेल, तो क्या आ जाएगा आपके सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना दे रखा 17,000, इधर दे रखा है तो क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा 17,000। फिर है आपके परचेज दे रखा है, इधर दे रखा है क्या करेंगे माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा आपके परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये दे रखा है आपके 36,000 और ये कर देंगे हम माइनस कर देंगे। अब ये वाला फिक्स एसेट इस पे क्या करेंगे, देखो आपके एक तो ये रहा आपके सेल ऑफ फिक्स एसेट कितना दे रखा है 24,000, ये आ जाएगा आपके सेल ऑफ फिक्स एसेट्स कितना दे रखा है आपके 24,000, उधर दे रखा है क्या कर देंगे हम प्लस कर देंगे 24,000। अब आपके दे रखा है प्लांट, क्या नाम है प्रॉपर्टी हुआ कंप्लीट और तो पॉइंट है नहीं, सेल ऑफ परचेज लिखना है, ये प्रॉपर्टी तो लिखना है, तो सेल ऑफ परचेज जहां भी है और कहीं भी हो तो ये फिक्स केवल फिक्स वाली चीजें लिखनी है आपको, बेचना और खरीदना और कुछ नहीं आएगा। तो 36,000 तो है आपके माइनस का और प्लस क्या है 17,000 और 24,000, ये आ जाएंगे आपके 5,000 आ जाएंगे, इसके आ जाएंगे प्लस के आ जाएंगे और ये आ जाएगा आपके बी पॉइंट, और सी पॉइंट है आपके कैश फ्लो फ्रॉम, ये आ जाएगा आपके फाइनेंशियल एक्टिविटी। फाइनेंशियल एक्टिविटी कहां पर आई हुई है, केवल फिक्स ले रहा पहले लेकिन डबल जीरो है मतलब लिखने का, फिर ये आएगा नहीं ये लो
लोन आएगा, तो लोन के बारे में लिखेंगे या लिखेंगे मोर्टेज लोन। मैंने बताया इसके लिए क्या आता है 2010 में 9 इस पर ये घटाएंगे 5,40,000 में से घटाएंगे जीरो तो क्या आएगा 5,40,000 आएगा, वो किसका आएगा आपके प्लस का आएगा। अब डिविडेंड, ये रहा डिविडेंड, तो ये आ जाएगा आपके क्या नाम है प्रपोज नहीं आएगा, यहाँ आएगा क्या आपके डिविडेंड पेड या पेमेंट ऑफ डिविडेंड कितना दे रखा है आपके 80,000। और देखो ये वाला मैं उधर लेके पेंट लू, इधर वाली चीज ये लिखनी है आपको, तो यहाँ माइनस कर देंगे टैक्स में, यहाँ माइनस करते हैं डिविडेंड को, यहाँ माइनस करते हैं तो माइनस करते हैं, और कोई पॉइंट है नहीं आपके तो बता दो, तो ये आ जाएगा कितना आपके 4,60,000 10 का ही आएगा और ये हो जाएगा आपके सी पॉइंट। अब हम ए को बी को और सी को 3,69,000 माइनस कर देंगे 5,000 4,60,000 ये आ जाएगा 96,000 10 का आ जाएगा। इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्या करेंगे ऐड ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश के, तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश कहाँ है 2,98,000 बैंक का कैश का 2,98,000 जैसे ही 2,98,000 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके 3,94,000 रुपए आ जाएंगे, ये आ जाएगा 3,94,000 आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश आ जाएगा।